जिस्ट एंड आई वी एफ कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स है, रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए मैं प्रेगनेंसी का बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि डॉपलर सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी। डॉपलर सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये डॉपलर सोनोग्राफी यानी क्या है, ये आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले आते हैं यानी डॉपलर यानी क्या। डॉपलर यानी ब्लड फ्लो। हम लोग सोनोग्राफी में बच्चे का ब्लड फ्लो चेक करते हैं, बच्चे का ग्रोथ चेक करते हैं, बच्चे के अराउंड का पानी चेक करते हैं, जिसको आपके लैंग्वेज में कलर सोनोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि उसके इमेज कलरफुल दिखते हैं, उसमें रेड एंड ब्लू कलर का ब्लड फ्लो का इमेज आपको दिखता है, जिसके लिए आप उसको कलर सोनोग्राफी बोलते हैं। तो ये डॉपलर सोनोग्राफी यानी क्या है। डॉपलर सोनोग्राफी में हम लोग बच्चे का ब्लड फ्लो चेक करते हैं। मेनली चार जगह का ब्लड फ्लो चेक होता है। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड का, यानी जो प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग, जिससे 9 महीना मदर से बच्चे को ब्लड जाता है, वहां से कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है और वो कॉर्ड यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जाके बच्चे की नाभि को जाके अटैच हो जाता है। तो प्लेसेंटा से आपके बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड अच्छे से जा रहा है यानी वो देखा जाता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं MCA यानी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बच्चे के ब्रेन का ब्लड फ्लो चेक करते हैं हम लोग। थर्ड जो है डक्टस वेनोसस डॉपलर, बच्चे के हार्ट का ब्लड फ्लो चेक करा जाता है। और लास्ट एंड लिस्ट इम्पॉर्टेंट यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, जो आपका यूट्रस है, जो गर्भाशय है, जिसमें पूरा 9 महीना बच्चा ग्रो हो रहा है, तो यूट्रस को ब्लड फ्लो अच्छा चल रहा है यानी वो हम लोग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में देखते हैं। तो ये डॉपलर कब करते हैं, आइडियली ये थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट के 3 महीने में, 8 महीना कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये डॉपलर करते हैं। लेकिन कुछ कुछ हाई रिस्क पेशेंट है, मानो जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन है, या IUGR है, बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो वो लोगों में हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कभी कभी जल्दी 7th मंथ में भी डॉपलर सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। तो ये डॉपलर सोनोग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, मानो नॉर्मल सोनोग्राफी में और इसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सोनोग्राफी में हम लोग क्या चेक करते हैं, बच्चे का पोजीशन देखेंगे, बच्चे का वेट मेजर करेंगे, बच्चे के अराउंड का पानी देखेंगे और ऑन एन एवरेज बच्चे का ग्रोथ चेक करते हैं। लेकिन डॉपलर में हम लोग इसके साथ, मैंने जो चार चीजें बोली है, वहां का ब्लड फ्लो भी चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे को ब्लड, ऑक्सीजन और सभी न्यूट्रिएंट अच्छे से जा रहे हैं या नहीं, वो अपना डॉपलर सोनोग्राफी में चेक होता है। तो डॉपलर सोनोग्राफी आइडियली कौन से पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती, मानो कोई पेशेंट को प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, या किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या किसी के बच्चे का वेट कम दिख रहा है, पेट कम दिख रहा है, बच्चे के अराउंड का पानी कम है, जिसको बोलते हैं हम लोग IUGR बेबी, या ओलिगोहाइड्रामनियस पानी कम है, या पॉलीहाइड्रामनियस पानी ज्यादा है, या आपको प्रेगनेंसी में और साथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसको SLE बोलते हैं हम लोग, या फिर आपको लीवर की बीमारी है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस बोलते हैं, या और कुछ तो आपको प्रेगनेंसी में हाई रिस्क है, उसमें आपके डॉक्टर आपको डॉपलर सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। अभी मेरे हॉस्पिटल में मैं क्या करती हूँ, जनरली रूटीनली मैं सभी पेशेंट का 34 वीक्स यानी 9th मंथ स्टार्ट होते वक्त और 37 वीक्स 9th मंथ के एंड में डॉपलर सोनोग्राफी करती हूँ। अभी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर 34 वीक्स को डॉपलर सोनोग्राफी नहीं बोलते हैं। मैं क्यों करती हूँ कि 9th मंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 80% बच्चे का ग्रोथ 8th और 9th मंथ में हो जाता है। तो 34 वीक्स में अगर डॉपलर में मुझे कुछ चेंजेस लगे, मानो बच्चे को ब्लड फ्लो कम जा रहा है, या कुछ भी बच्चे के अराउंड का पानी कम है, या वेट कम दिख रहा है, तो उस केस में मैं और ट्रीटमेंट बढ़ाती हूँ, पेशेंट को बेड रेस्ट बोलती हूँ। तो 34 वीक्स का डॉपलर ऑप्शनल है, लेकिन 37 वीक्स यानी आपके जब भी 8.5 महीना कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपको डॉपलर सोनोग्राफी करके लेना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज की डॉपलर सोनोग्राफी में हम लोग को बच्चे के अराउंड, नेक के अराउंड कॉर्ड तो नहीं है ना, वो भी पता चलता है, जो कि प्लेन सोनोग्राफी में नहीं पता चलता। तो अभी हम लोग ये डॉपलर सोनोग्राफी में जो चार जगह का ब्लड फ्लो देखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी प्लेसेंटा से बच्चे को अच्छे से ब्लड जा रहा है या नहीं, MCA यानी बच्चे के होल बॉडी में से, ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है तो ब्रेन को अच्छे से ब्लड फ्लो जा रहा है या नहीं, फिर आपके डक्टस वेनोसस बेबी के हार्ट का ब्लड फ्लो अच्छे से चल रहा है या नहीं, और यूट्राइन आर्टरी यानी आपके यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छे से चल रहा है या नहीं, ये आपके डॉपलर सोनोग्राफी में चेक हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि व्हाट इज द डॉपलर सोनोग्राफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्यों करना चाहिए, ये कब करना चाहिए, ये अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जो भी आपके रनिंग प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं उनको देखने को बोलो। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। थैंक यू।